यू नो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो है नॉन स्पीकिंग इंग्लिश एरियाज होते हैं ना, कंट्रीज होती है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आती है, आपको वहाँ पे आपको लोगों को समझाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप कोई बात करो उन्हें समझ नहीं आती, घंटों लगते हैं उनको समझाने में, उन्हें आपको समझाने में, एंड एट द एंड यू एंड अप एज अ मिजरेबल। Do you wear in hand? Tasbih, yeah? What is Tasbih? One? Give me one Oreo. And anything in strawberry. Oreo and strawberry? Yeah. Bunlar fazla Umut, bana bak. Ben aşağıdan alıp geleyim de. Bunlar beğenmedim. Tamam, ben de. ये वो क्या सिस्टम है भाई? हाय एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज अ बॉय मिस्टर टी। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज है इस्तानबुल का दूसरा दिन, कल रात में लेट पहुंच गया था तो उस करके मैं बाहर नहीं गया था और लेट भी सो गया था। तो अभी बजे हैं करीबन 2:30 बजे हैं दिन के यहाँ के, तो चलते हैं बाहर। अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा स्टे को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। और मैं जो स्टे कर रहा हूँ बिल्कुल टैक्सिम स्क्वायर के साथ स्टे कर रहा हूँ मैं, वो है, और इस गली में मेरा होटल है, इसके साथ में होटल है, होटल भी नाइस है, रूम्स बड़े अच्छे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है यहाँ पर, मुझे कहीं पर भी किसी ने $50 से कम होटल नहीं दिया। तो फिर इसके साथ काफ़ी बार्गेन करके ना 26.5 पे आ गया है, मतलब $27 पर नाइट। गिव मी दिस यू नो रैप, या यस, हैव अ लुक एट दिस मॉस्क। पूरी जगह का नाम है टैक्सिम स्क्वायर इस्तानबुल। वन मिनट माय ब्रो, सॉरी। माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत मस्जिद। आई थिंक मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी खूबसूरत मस्जिद देख रहा हूँ। नमाज मैंने ऑलरेडी पढ़ी है लेकिन मैं असर कंबाइन कर सकता हूँ इसके साथ अभी। Undoubtedly beautiful. अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज भी पढ़ ली, जोर मैंने पढ़ ली थी रूम में ही, लेकिन अभी असर को कंबाइन कर सकते हैं, जब हम सफर में होते हैं कर सकते हैं कंबाइन हम जोर के साथ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है यार, क्या बनाई हुई मस्जिद है, बहुत नाइस मस्जिद। चलते हैं बाहर। इस चीज़ के साथ बड़ा फोटो खिंचवा रहे हैं, जरा देखें यार इसकी हिस्ट्री क्या है। चलिए देखते हैं, आई एम श्योर दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वॉर, बट कहाँ मिलेगा देखने। पर यार अनडाउटेडली यार टर्की की खूबसूरती ना माशाल्लाह बड़े, यार यहाँ के लड़के लड़कियाँ दोनों बड़े खूबसूरत हैं, बड़े चिट्टे गोरे हैं। चेहरा ना काला पड़ने वाला है कंफर्म, क्योंकि मेरी यार सनस्क्रीन जो साथ में थी वो एयरपोर्ट पे ले लिया उन लोगों ने। और रही बात अब मैं दोबारा ले आऊँ, नहीं यार 200 ml की वो तब भी नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। अब मुझे पहले कोई सनस्क्रीन देखनी पड़ेगी छोटी वाली। तो या लेट्स गो दिस वे। अब देख लीजिए यहाँ के चेस्टनट्स, चेस्टनट्स मैंने यहाँ के लोग देखे बहुत खाते हैं। दुकान दुकान पे आपको दो चीजें मिलेंगी, चिकन डोनर, लैम डोनर। anladınız mı?
ये दो चीजें ना यहाँ की यार मेन इनकी ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का। अब ये भैया कार्ड तो ले नहीं रहे, मेरे पास खाली 10 pound है, इसको एक्सचेंज करते हैं। तो इन्होंने मुझे वैल्यू दिया यहाँ पे 39.20। यार कल मुझे बड़ा नुकसान हो गया, उन्होंने मुझे 29 करके दे दिया। थैंक यू, उन्होंने मुझे 29 दे दिए और यहाँ पे 39। कम से कम मैंने 2000 लीरा अपना नुकसान कर दिया। तो जिस डिलाइट बड़ा मशहूर है, देखते हैं क्या है। और मिठाइयाँ देखो कितने किस्म की यहाँ पे। अनगिनत अनगिनत टर्किश की मिठाई बड़ी मशहूर है, यहाँ की जलीज बड़ी मशहूर है। कुछ सी लेट्स गो दिस वे, ड्राई फ्रूट ब्लूबेरी ट्री। सारी दफ़ा सुन रहा हूँ मैं नाम यार, मैंगो टी भी होती है तो एप्पल टी भी है। और ये क्या है सर, ऑटोमन टी, मसाला टी, भाई वैरायटी वैरायटी। यार एक बात तो माननी पड़ेगी यार, क्या मिठाई बनाते हैं यार। मैंने इससे पहले भी टर्किश की थी लेकिन इतना मैंने मतलब इतनी प्रीमियम क्वालिटी की मिठाई मैंने कभी नहीं खाई है। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। ना लुक एट दिस, 10 GB एंड 147 TL और 60 GB 324। मैंने खाली 20 GB एयरपोर्ट से लिया 1500 TL का। अब देख लो कितना बड़ा नुकसान कर लिया मैंने खुद का। तो आप मेरी तरह ये नुकसान मत कर लेना, आप यहाँ पे आके आपको इस्तांबुल आना, इस्तांबुल सिटी आके फिर अपना सिम ले लेना। अदरवाइज आप अपना भारी नुकसान करोगे अगर आप एयरपोर्ट से सिम लेते हो। ये यहाँ का कोई अच्छा है, आज तक हमेशा फिल्मों में देखा था शादी होते हुए और आज लाइव देख रहा हूँ मैं। जो सुकून हमारे मजहब में मस्जिद में, ये वो गारंटी नहीं है। I got to see something different here. Let's see kaisi mithai hai andar. Mithai ki variety yahan pe see presentation jaise dance mein भाई इस्तांबुल वाइब है। जो खाने का शौकीन हो, जिसका स्वीट टूथ हो, तो भाई ये जगह आपके लिए है। क्या मिठाइयाँ, क्या खाना। खाने में तो ज़्यादातर ये डोनर खा लेते हैं और बकलावा यहाँ का बड़ा मशहूर है। और बकलावा के अलावा भी यहाँ पे जितनी भी किस्म की जलीज है, इससे पहले भी खाई थी मैंने, लेकिन यहाँ आके तो मुझे लगता है कम से कम 100-150 किस्म की मिठाइयाँ इनके पास। और इतना ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल करते हैं कि जो मेकिंग है अनडाउटेडली अमेजिंग। तो अभी चलते हैं आगे, लेट्स सी इसको दिस वे। ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी है सारी। ये वुड मैग्नेट है बट अनडाउटेडली बहुत नाइस। Three for 75, huh? Three for 200.
ये लोग ना बड़ा इस पे यार, ये नज़र वज़र का बड़ा ये रखते हैं यहाँ पे। मैंने हर दुकान पे देखा है यहाँ पे बेचते हुए। बड़ा लोग इसका क्या सिस्टम है। मैं हूं अभी बिल्कुल इस्तांबुल गलाता के बाहर। ये टॉवर है, इसको बोलते हैं इस्तांबुल गलाता। ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस वन? 10 लीरा। जस्ट गिव मी वन। मैंने तो कभी खाया नहीं है यार, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या है। भाई ये है इस्तांबुल गलाता। मेरे पीछे सारा ये मार्केट जो आप देख रहे हो, इस्तांबुल का पुराना मार्केट है, बट नाइस वन। और जो मैं रोटी खा रहा हूँ इस्तांबुल में, इसमें कुछ बोलता है इसको, 10 लीरा की है, बट टेस्ट नाइस ब्रो। एक चीज़ आप देखना, यहाँ के मार्केट ना बड़े फैसिनेटिंग है, बहुत खूबसूरत मार्केट है। इतनी अपीलिंग है ना, अट्रैक्ट करते हैं आपको। सी कलर कॉम्बिनेशन, हर घर का अलग अलग कलर है। ये सारा इलाका जो यहाँ से सारा हीटरी है, खाने पीने का यहाँ से। आई थिंक ये वाला इलाका जो है खाने पीने का बड़ा पॉश इलाका है। यहाँ से बड़ा सही व्यू आ रहा है इस्तांबुल गलाता का। आई थिंक ये आज के दिन का ना सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत स्पॉट है। तो वीडियो में बने रहे, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड की बात है। गो भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। So I bought this Istanbul card in 70 lira और उसमें मैंने रिचार्ज किया 320 lire का। So yes, मुझे लगता है मैंने 200 लीरा वहां से
जाने का, यहाँ तक दे दिया मैंने आई थिंक सो। बोट राइड हो गई है ख़त्म। फेरी की राइड में उन्होंने 200 लीरे वन वे ले लिया मुझसे, और बट इट वॉज वर्थ। मैं वापस जा रहा हूँ तकसीम इसी बोट में। यहाँ कोई स्टे थी लेकिन मैं नीचे नहीं उतरा, रीज़न बीइंग के अभी काफ़ी लेट हो गया था, तो बेटर है कि मैं कल सुबह आ जाऊँ फिर मैं वहाँ जाऊँ। सो अभी आई एम गोइंग बैक एंड आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा होगा अगर मैंने और उसको खींचा थोड़ा बहुत। सो इस बार कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। और वंस अगेन इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हेल्प मी इन ग्रोइंग दिस जर्नी, और शो सम लव एंड सपोर्ट, लुक आफ्टर योरसेल्फ, सी यू सून, टेक केयर।